अस्सलाम वालेकुम, एहसास टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नहल फातिमा और मैं आज आपके लाई हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। और सवाल मेरा यह है कि क्या लोगों को शादी जो है वो लव करनी चाहिए या अरेंज। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव, हर किसी का की एक अपनी राय है इस बारे में। और देखते हैं जी, जानते हैं लोगों की इस बारे में क्या राय है कि शादी जो है वो लव करनी चाहिए या फिर अरेंज करनी चाहिए। अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कॉमेंट सेक्शन में जाएँ और मुझे इसका जवाब दीजिए। और यहाँ पर जो है आए हुए लोगों से मैं जानती हूँ कि उनकी क्या राय है इस बारे में। तो जी आइए चलते हैं और लोगों से इनकी राय जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी जो है वो लव होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए। एज अ यूथ आप क्या सोचती हैं कि शादी जो है वो लव होनी चाहिए अरेंज होनी चाहिए? अरेंज होनी चाहिए। अच्छा, लव क्यों नहीं होनी चाहिए? अरेंज में आपके पेरेंट्स करते हैं तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेटर होता है। तो अगर लव और अरेंज दोनों मिक्स हो फिर? हाँ, फिर भी ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं है? अच्छा है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलो आपसे एक सवाल करते हैं, तैयार हैं आप? जी जी। अच्छा मुझे बताएं कि शादी जो है वो लव होनी चाहिए अरेंज? शादी होनी चाहिए। शादी तो होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन लव होनी चाहिए अरेंज होनी चाहिए? ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, मतलब आपका पार्टनर किस तरह से है। नॉर्मली जो देखा जाता है वो ये कि लव मैरिज जो है ना वो थोड़ा अरसा ही सर्वाइव करती है। हम लोग पहले ही जो है वो काफ़ी सब्ज़ बाग वगैरह दिखा चुके होते हैं दोनों साइड से, तो वो जब फिर नहीं पूरे होते। आपने कितनों को सब्ज़ बाग दिखाए? अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नहीं। ये मैं कैसे मान लूँ? इस्लामिक कैसे? ज़बरदस्त। ऐसा नहीं है, मतलब होता है हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर आप जो है वो करेंगे शादी तो आप लव करेंगे अरेंज करेंगे? फंस गए यहाँ पे आके। मैं सच बताऊंगा तभी फंसूंगा, झूठ बोलूंगा तो तभी। तो सर देखिए, आप इस्लामिक जो है वो स्टूडेंट है तो आपको सच बोलना चाहिए। जी असल में ये मैंने अम्मी पे छोड़ा होगा, तो जहाँ पे अम्मी राजी वहाँ पे। ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर वैसे इन्होंने दिया है ना, ला के स्टूडेंट है, मैनेज तो करना चाहिए। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा से बात करके, थैंक यू। शादी जो है वो लव होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए? लव कम अरेंज। लव कम अरेंज, व्हाई? बिकॉज दोनों चीज़ें मस्ट होती हैं, अगर अरेंज मैरिज में भी आगे लव ना हो तो फ़ायदा नहीं। तो आपका कहना है कि लाइक लव एंड अरेंज बोथ? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा से बात करके। लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? आई थिंक लव अरेंज्ड, मिक्स। या ठीक हो गया, तो मतलब सबको खुश रखना चाहिए। और अगर टोटली अरेंज हो, लव ना हो, फिर? नहीं, आई डोंट थिंक शुडंट, पता नहीं शायद वर्क कर जाए, आई डोंट थिंक। अच्छा, आपके लव मैरिज थी अरेंज? बोथ, लव अरेंज्ड। वाओ, सो लकी। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आई लव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमन इस्लाम। कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। अच्छा, तो आप इस्लामाबाद में क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पे वैसे विजिट करने आई थी, एक शूट के रिगार्डिंग। ओके, शूट एज इन मॉडल? कोई ज़बरदस्त, आप मॉडलिंग करती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ और सवाल ये है कि शादी जो है वो लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज? अरेंज। लव मैरिज क्यों होनी चाहिए? ये नहीं पता, लेकिन खुदा ना हंसता कोई मतलब ऊंच नीच होती है तो माँ बाप आपके साथ होते हैं। ठीक है, तो आप इसलिए अरेंज मैरिज के हक में कि अगर कल को कोई अगर कुछ होता है तो आपके पेरेंट्स जो आपके लिए खड़े होंगे, तो लव मैरिज में भी खड़े हो सकते हैं? नहीं, मतलब नहीं, अरेंज। ठीक है, आप अरेंज के हक में। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो यहीं पे ख़त्म हुआ जाता है। और जी, लोगों से हमने राय ली उनकी कि शादी जो है वो लव होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए, और बहुत से लोगों ने जो है वो लव के हक में बोला, काफ़ी लोगों ने अरेंज के हक में बोला, और काफ़ी लोगों ने जो है वो डिप्लोमेटिक आंसर्स दिए और कहा कि जी लव कम अरेंज दोनों होनी चाहिए। और जाहिर है एक ऐसा सवाल है कि जिसमें हर इंसान की जो है वो राय जो है वो डिफरेंट होती है, तो कॉमेंट सेक्शन में भी आप लोगों ने अपने जो है राय का इजहार किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के जो है वो मजीद हम सवालात और कॉमन सेंस के क्वेश्चन आपके सामने लाते रहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और इसी तरह के मजीद ज़बरदस्त से प्रोग्राम मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।